मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे आसपास रहने वालों में हमेशा ऐसे लोगों की तादाद अधिक होती है जो राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करने वालों को आम से खास बनाती है? जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हरेश और आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप खाने पीने के लिए लेफ्ट हैंड का क्यों इस्तेमाल करते हैं? बचपन में भी आपने अक्सर देखा होगा कि लेफ्ट हैंड से काम करने पर पेरेंट्स मना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि लेफ्ट हैंड से काम करना अच्छा नहीं होता, लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करने वाले बच्चे बुरे होते हैं। कई बार तो इसी दबाव में बच्चे लेफ्ट हैंड ज्यादा एक्टिव होने के बाद भी राइट हैंड से काम करने पर मजबूर होते हैं। लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करने वालों की संख्या कंपैरेटिवली कम है। दुनिया के 90% लोग राइट हैंड से लिखते हैं और सिर्फ 10% लोग ही लेफ्टी हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करने वाले किसी भी तरह से कम होते हैं। हालांकि ऐसी मान्यता है कि लेफ्ट हैंड से काम करने वाले लोग नॉर्मल और कमजोर होते हैं। शायद यही वजह है कि पेरेंट्स लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स के साथ कई बार रोक टोक करते हैं तो कई बार स्ट्रिक्ट भी रहते हैं। इस बात का दूसरा पहलू भी है। इसी बीच कुछ ऐसे रिसर्च और फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं जो पुराने कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से गलत साबित कर देती है। ये रिसर्च इस बात को कंफर्म करते हैं कि लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। कई ग्रेट पर्सनालिटीज भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, बराक ओबामा, अमिताभ बच्चन, बिल गेट्स, रतन टाटा, सौरभ गांगुली, निकोल किडमैन, एंजेलिना जोली, करण जौहर और भी कई लोग। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इन लेफ्टी सेलिब्रिटीज को कई बार कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो आइए जानते हैं लेफ्ट हैंड से जुड़ी कुछ क्वालिटीज और प्रॉब्लम्स के बारे में। क्रिकेट से लेकर तमाम दूसरे गेम्स में लेफ्टी होने के अपने फायदे हैं। लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करने वाले लोग बॉक्सिंग, टेनिस जैसे गेम्स में ज्यादा अच्छे होते हैं। लेफ्ट हैंडेड लोगों का IQ लेवल बहुत ज्यादा होता है। न्यूयॉर्क की सेंट लॉरेंस यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक राइट हैंड लोगों के मुकाबले लेफ्ट हैंड वालों का IQ लेवल 140 से अधिक होता है। लेफ्ट हैंड से काम करने वाले लोग सेंसिटिव होते हैं। जो लोग हमेशा ही लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल में लाते हैं उनके हाथों में गजब की स्पीड होती है। लेफ्टी पर्सन राइटी पर्सन की कंपेरिजन में स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम से जल्दी रिकवरी की एबिलिटी रखते हैं। वे स्पीड से चेंज होने वाले साउंड को ज्यादा इजीली सुन सकते हैं। लेफ्टी पैसा कमाने और खर्च करने के मामले में भी राइटी लोगों से ज्यादा आगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड वालों की दुनिया में सब कुछ अच्छा ही है। वे दुनिया में होने वाली रोज रोज के कई प्रॉब्लम से भी रूबरू होते हैं। आखिर क्या है उनकी समस्याएं? स्कूल में बनी बेंच चेयर्स पर लिखने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये राइट हैंड लोगों के हिसाब से डिजाइन किए गए होते हैं। स्पाइरल बाउंड कॉपियों पर लिखने में काफी प्रॉब्लम होता है। कैंची चलाना बहुत मुश्किल भरा होता है। जनरल ऑफिस में कंप्यूटर का माउस राइट साइड पर ही होता है और लेफ्ट हैंडेड लोगों को इसे हर बार अपने हिसाब से लेफ्ट की ओर करना पड़ता है। लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए गिटार बजाना आसान नहीं होता। लेफ्ट हैंडेड लोग किसी दूसरे इंसान से हैंडशेक करने से पहले सोच में पड़ जाते हैं और कई बार तो आदत से लेफ्ट हैंड ही आगे बढ़ा देते हैं। टच स्क्रीन मोबाइल या iPad पर टाइप करना आसान नहीं होता। क्रेडिट कार्ड और स्वाइप मशीन्स राइट हैंडेड लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है तो लेफ्ट हैंडेड लोगों को प्रॉब्लम होती है। इंक पेन से लिखना बहुत मुश्किल होता है। लोगों द्वारा हमेशा आश्चर्य से पूछना कि अरे तुम लेफ्टी हो आपको अलग सा महसूस करवाता है। किसी के साथ अगल बगल बैठकर खाना खाते हुए बगल वाले से हैंड टकराने की समस्या आपको और साथ वाले को काफी परेशान करती है। कोई लेफ्टी क्यों होता है? क्या यह नॉर्मल होने से अलग है? इस विषय पर सुशील कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। वैसे इस दुनिया में करीब 87% लोग राइटी होते हैं तो 10% लोग लेफ्टी और बाकी 3% के दोनों हैंड अलग अलग काम के लिए एक्टिव होते हैं। जो दोनों हैंड से एक्टिव होते हैं उन्हें क्रॉस वायर्ड कहा जाता है। इस मसले पर मेनली से 3 थ्योरी पर एक्सपर्ट्स ने डिस्कशन की। पहली थ्योरी बेन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, जबकि दूसरी और तीसरी थ्योरी जेनेटिक, सोशल और लर्निंग प्रोसेसेस हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स इसे कोई बीमारी या मेडिकल स्पेशलिटी से नहीं जोड़ते। उनके अनुसार यह नॉर्मल प्रोसेस है। जिस तरह से कोई राइट हैंड से काम करता है उसी तरह से कोई लेफ्ट हैंड से।
हाँ, यह अलग बात है कि लेफ्ट हैंड को ज्यादा एक्टिव रखने वाले लोग संख्या में बहुत कम हैं। तो एक एक करके तीनों थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले जेनेटिक थ्योरी। इलाहाबाद हॉस्पिटल के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश का कहना है कि इसके पीछे जेनेटिक कारण प्रमुख तौर पर समझ में आता है। कुछ स्टडीज में यह बात साबित हुई है कि किसी का राइटी होना या लेफ्टी होना माँ के गर्भ में ही फिक्स्ड हो जाता है। उसे अपने पेरेंट से एक खास तरह का जीन विरासत में मिला होता है, इसे लेफ्टी जीन कह सकते हैं। हालांकि इस जीन के पीछे क्या कारण है, इस पर अभी रिसर्च किया जा रहा है। दूसरा है लर्निंग और सोशल माहौल। इसमें कुछ बच्चे सीखने की प्रोसेस में ही किसी एक हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। बहुत से बच्चे राइट हैंड से काम करने लगते हैं, धीरे धीरे उनका यही हाथ ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसमें एक और एग्जाम्पल भी है कि बच्चा अपने किसी पसंदीदा इंसान को देखकर लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रायन लारा और युवराज सिंह लेफ्टी बैट्समैन हैं। अगर कोई बच्चा उन्हें पसंद करता है तो उन्हीं की तरह बैटिंग करना चाहेगा, लेफ्ट हैंड से काम करना चाहेगा। ऐसा करते करते वह एडिक्टेड हो जाता है। यही बात सोशल इश्यू वाली थ्योरी पर भी लागू होती है। कभी कभी इसका एक और पहलू सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करता है और घर वाले उसे राइट हैंड से काम करने को कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में सोशल प्रेशर में वह दोनों हाथ का इस्तेमाल करता है। ऐसे लोग अलग अलग काम अलग अलग हाथ से करने लगते हैं। सचिन तेंदुलकर राइट हैंड से बल्लेबाजी करते हैं और लिखने का काम लेफ्ट हैंड से। हालांकि सोशल प्रेशर वाली बात यह अपवाद भी हो सकती है। ब्रेन वाली थ्योरी। जनरल फिजिशियन डॉक्टर अनिल बंसल इसके ऊपर दिए कारणों के अलावा ब्रेन थ्योरी को भी मेन कारण मानते हैं। देश विदेश में हुई स्टडी का रेफरेंस देते हुए उन्होंने बताया कि ब्रेन दो हेमिस्फेयर में बटा होता है, लेफ्ट और राइट। मेडिकल जगत में यह साफ है कि लेफ्ट हेमिस्फेयर शरीर के सीधे तरफ यानी राइट साइड के हिस्से को ऑपरेट करता है और राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड के हिस्से को। इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों में ब्रेन का लेफ्ट पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है उनके शरीर के राइट हैंड, राइट पैर, यहाँ तक कि राइट आईज ज्यादा एक्टिव होती हैं। इसी के अपोजिट जिनके ब्रेन का राइट हिस्सा ज्यादा एक्टिव होता है उनके शरीर में लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पैर और लेफ्ट चीजें ज्यादा एक्टिव होती हैं। कुछ लोगों का एग्जाम्पल्स देते हुए उन्होंने बताया कि वे राइट और लेफ्ट हैंड दोनों से अलग अलग काम करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जो राइट हैंड से बैटिंग करते हैं लेकिन लिखने का काम लेफ्ट हैंड से। ऐसे लोगों के ब्रेन में दोनों हिस्से एक्टिव होते हैं। कहने का मतलब यही कि हमारे दिमाग की अपोजिट मेथोडोलॉजी यह तय करती है कि कोई व्यक्ति राइटी होगा या लेफ्टी या क्रॉस वायर्ड। ऐसे में अपने बनाए लॉज थोपने और बच्चों को तरीका बदलने पर मजबूर करने पर बच्चे का दिमाग कन्फ्यूजन में फंस जाता है। अब आइए देखते हैं लेफ्टीज से जुड़े कुछ रिसर्च। मैथ्स और म्यूजिक में बेहतर लेफ्ट हैंड से काम करने वाले लोग जिनके दिमाग का राइट पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है जिस वजह से वो ज्यादा कंस्ट्रक्टिव और लॉजिकल होते हैं। रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च के आधार पर पाया कि म्यूजिक और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में उनका मन ज्यादा लगता है और वे इन एरियाज में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। गेम्स में बेटर परफॉर्मेंस। GMA पत्रिका में पब्लिश्ड रिसर्च के मुताबिक लेफ्ट हैंड का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग टेनिस, बॉक्सिंग जैसे गेम्स में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। उनमें गेम्स के दौरान दोनों हाथों के इस्तेमाल करने की एबिलिटी होती है जिससे वे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। वे डरपोक होते हैं। जर्नल ऑफ ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में पब्लिश्ड रिसर्च के अनुसार लेफ्ट हैंड से काम करने वाले लोगों के ब्रेन का लेफ्ट साइड ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए वे ज्यादा डरते हैं। रिसर्चर कैरोलिन के अनुसार लेफ्ट हैंड से काम करने वाले लोग डर के प्रति ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की डर ज्यादा होती है। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क। BMJ में पब्लिश्ड रिसर्च के अनुसार वे महिलाएं जो लेफ्ट हैंड का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं उन्हें मेनोपा इस्तेमाल से पहले ब्रेस्ट कैंसर का ज्यादा रिस्क होता है। रिसर्चर्स का अनुमान है कि उनके सेक्स हार्मोन में बदलाव ज्यादा तेजी से होता है जिस वजह से उन्हें यह रिस्क ज्यादा रहता है। हालांकि यह रिसर्च केवल 165 महिलाओं के टेस्ट पर आधारित है, इसलिए इसे पुख्ता करार नहीं दिया जा सकता। डेथ पर एक बहुत बड़ा मिथक। मिथक एक आम है कि राइट हैंड का इस्तेमाल करने वाले लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करने वालों से 9 साल ज्यादा जीते हैं, मगर यह मिथक पूरी तरह से गलत है। इस मसले पर अमेरिका में स्टडी की जा चुकी है। यह स्टडी साइंटिस्ट जर्नल्स नेचर और न्यू इंग्लैंड जर्नल्स ऑफ मेडिसिन में छपी थी। स्टडी करने वालों के अनुसार यह बिल्कुल सच नहीं है।
इसमें कई ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड से काम करने वाले थे। इनमें से कईयों की डेथ हो चुकी थी। सबकी उम्र का स्टडी करने के बाद ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि लेफ्ट हैंड से काम करने वाले कम जीते हैं। स्टडी करने वालों का कहना था कि अगर यह सच होता तो यह किसी इंसान की उम्र तय करने का सबसे बड़ा स्किल होता। ऐसे मिथक का कारण बताते हुए एक पहले की स्टडी का एग्जाम्पल दिया। पूर्व स्टडी में कुछ मरने वाले लोगों की लिस्ट बनाई गई जिसमें लेफ्टीज की एवरेज एज 9 साल कम थी। इसी आधार पर यह मिथक चलता रहा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो लेफ्टी पर्संस के बारे में। हमने काफी कुछ इसको जानकारी सिंपल वर्ड्स में देने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ये जानकारी बहुत से लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास हमारे वीडियोस सबसे पहले पहुंच सकें। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।